वेलकम फ्रेंड, ये हमारे पास एक जार आया है। इस जार का देखिए ब्लेड टूट चुका है, इस ब्लेड को चेंज करना है हमें। तो चेंज करने के लिए हम कैसे इसे चेंज करते हैं देखिए। कपड़े की मदद से हम इस ब्लेड को पकड़ लेंगे और फिर ये एक चाबी है, इस चाबी से हम इसे घुमा देंगे। ये देखिए JMJ का है, इसमें सेट करते समय हमें ध्यान देना होगा। देखिए हम बाहर इसे निकाल लिए। और इसका देखिए सापट भी कट चुका है, तो हम इसका सापट और ब्लेड दोनों चेंज करेंगे तब जाकर अच्छा से चलेगा। तो सबसे पहले हम इस नट को निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ब्लेड को हम पकड़ेंगे और इसे क्लॉकवाइज घुमाकर इसे खोल देंगे। ये और ये दोनों चीज़ बेक वजह का हो गया। हमारे पास सिर्फ बचा एक नट और ये कपलर। अब इसमें हम एक ब्लेड और सापट लगाएंगे। तो ये हमने देखिए हम नया सापट ले लिया। अब इस सापट को हम पुराने वाले सापट से साइज नाप लेंगे, इक्वल होना चाहिए। ये देखिए बराबर है। तो हम सबसे पहले इसमें ब्लेड को कसेंगे, नया वाला ब्लेड को कसने के लिए देखिए कटिंग है, इस कटिंग में ये ब्लेड को जाकर फंसा देंगे और फिर यही नट से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसे टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया। अब हम इसे इसमें डालकर देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही बैठा है, लेकिन नीचे देख लेते हैं। ये देखिए नीचे जो है JMJ में थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान देना होता है। आप यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा इसके बेस से ऊंचा है ये बेस, हाँ सॉरी सापट। तो इस सापट को लगभग बराबर में आना चाहिए, यानी कि इसे कुछ और नीचे जाएगा ये ऐसे। ये देखिए तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें ब्लेड के नीचे कुछ वाशर डालेंगे और वाशर डालने के बाद हम इसे फिर इसे सेट करके देखेंगे। अब देखिए मेरा सही सही जगह पे आ गया। और एक पतला सा वाशर दे देंगे हम इधर भी, ताकि आवाज़ ना करे। और फिर इसे हम वही एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर इसे टाइट कर देंगे। ब्लेड टाइट हो गया। अब ये बिल्कुल सही हो गया जार, ब्लेड भी चेंज हो गया और सेट भी हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।